देखिए, पिंच इफेक्ट, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट. सो पिंच इफेक्ट क्या होता है? द कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा और कंडक्टिंग फ्लूइड बाय सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड्स इज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन थर्मोन्यूक्लियर रिसर्च एंड दिस इज कॉल्ड पिंच इफेक्ट. मतलब प्लाज्मा जो है उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि अगर हम कोई कंटेनर लेंगे तो उसकी जितनी कंटेनर किसी भी मटेरियल से बना हुआ होगा तो प्लाज्मा के टेम्परेचर से वो मेल्ट हो जाएगा. सो अगर हम हवा में प्लाज्मा को रख लें, यानी कि बीच के अंदर रखें, जैसे कोई सिलेंडर है उसमें दीवारों पर ना होके बीच में प्लाज्मा जो है वो रह जाए हवा में, तो किसी चीज का कोई मटेरियल से तो वो टच हो ही नहीं रहा है. सो उस कंडीशन में इस तरह को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्लाज्मा का कन्फाइनमेंट हो सकता है, उसके अंदर प्लाज्मा को रखा जा सकता है और ऐसे ही उसको रखा जा सकता है, रखा जाता है, इसे पिंच इफेक्ट कहते हैं. तो थोड़ी सी इसकी मैथ समझते हैं. तो हमारे पास अगर देखिए, अगर हम विस्कस फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को अवॉइड कर देते हैं तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पे हमेशा नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है. प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू रो डीवी बाई डीटी, उसके अंदर हमारे पास क्या थे? प्रेशर का टर्म था, माइनस का डेल पी था, है ना, मैग्नेटिक फोर्स था, जे क्रॉस बी था, विस्कस फोर्स था वी एस, और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स मानो तो मान लीजिए रो जी ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. सो अगर अपन विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अवॉइड कर देते हैं, सो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो दिस टर्म विल बी जीरो. इसका मतलब ये वाला टर्म आपके पास जीरो हो जाएगा. सो दिस कंडीशन विल बी ऑब्टेन्ड. यहाँ से डेल पी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? जे क्रॉस बी के इक्वल आ रही है. अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में दोनों साइड में एक तो एक बार करेंगे बी का डॉट प्रोडक्ट और एक बार करेंगे जे का डॉट प्रोडक्ट. तो पहले बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी बी डॉट डेल पी, और राइट हैंड साइड में करेंगे तो बी डॉट जे क्रॉस बी. अब बी डॉट जे क्रॉस बी जो है उसका आप वेक्टर आइडेंटिटी से फॉर्मूला निकालना. इसके अंदर क्या होता है, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. इसका ऑर्डर जब चेंज करते हैं तो जे में डॉट आ जाता है और बी क्रॉस बी हो जाता है और वो हमें जीरो मिलेगा. सो वी विल गेट इक्वेशन नंबर टू. सिमिलरली अगर जे का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो भी हमारे पास जे डॉट जे क्रॉस बी आएगा, उसमें भी बी को बाहर ले लेंगे तो जे क्रॉस जे आ जाएगा. मतलब वेक्टर आइडेंटिटी में हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री आ जाएगा. अब इसका क्या मतलब है कि जे क्रॉस बी जो है वो बी के परपेंडिकुलर होगा और जे के परपेंडिकुलर होगा. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास दो रिजल्ट हमें मिले हैं. वो रिजल्ट मैं यहाँ लिखती हूँ कि हमें एक रिजल्ट मिला है बी डॉट जे क्रॉस बी इक्वल टू जीरो और एक हमें मिला है जे डॉट जे क्रॉस बी इक्वल टू जीरो. इसका मतलब, अच्छा, जे क्रॉस बी हमारा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है. ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है. और इस फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, सो ये जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये फोर्स जे के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो सपोज हमारे पास, हम एक सिलेंड्रिकल कॉलम लेते हैं. डायग्राम में आपको सिलेंड्रिकल कॉलम दिख रहा होगा, उसके अंदर जे की जो डायरेक्शन होगी, जे क्या है? करंट डेंसिटी है. तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देख लीजिए रेड कलर के एरो से बताई जा रही है और वो जेड डायरेक्शन मिली हुई है ना. ये डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है और ये आपकी किसकी डायरेक्शन है? जे की. तो जे की डायरेक्शन तो हमें क्लियर पता चल गई कि वो जेड डायरेक्शन में है. क्लियर कर लिया अपन ने. अब हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको नो पता है कि जब वर्टिकल वायर में अगर करंट हमारे पास ऊपर की तरफ बहती है, करंट हमारे पास ऊपर की तरफ फ्लो होती है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसकी लाइनें जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है. ये हमने पढ़ा है मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स के अंदर कि अगर करंट कैरिंग वायर लेते हैं और मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेगी और वो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में बनती है. यानी कि अगर ऊपर की तरफ करंट बह रही है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से सर्कल बनेंगे. तो यहाँ पे जो येल्लो कलर के सर्कल है, ये सर्कल आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है. करेक्ट. सो हमारे पास ये हमारे पास इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में है. हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बन गई है. ठीक है, ये हमें समझ में आ गया. तो जो जे क्रॉस बी है, अब हमारे जे की डायरेक्शन पता है, बी की डायरेक्शन पता है, तो जे क्रॉस बी जो है यानी इस सिलेंडर के अंदर जो प्लाज्मा रखा हुआ है, उस प्लाज्मा में जो चार्ज पार्टिकल है, उन चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा जे क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे आपको दी हुई है ये ब्लू कलर के एरोज जो बने हुए हैं, रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में होगा. और ये फोर्स कैसे होगा मैं वर्टिकल बताती हूँ आपको. जैसे मान लीजिए वर्टिकल सिलेंडर हमने लिया, सो जे की डायरेक्शन आपके पास ऊपर है. ठीक है, इसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बना ये. करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बना ये.
और यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जे, और बी जो है आपके पास अलोंग द टेंजेंट है, अलोंग द टेंजेंट है इस तरह से। तो किसी भी पॉइंट पे लेते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं एक सर्कल लेती हूँ, ठीक है, और इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में सपोज करो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में लगेगी, फिर इस डायरेक्शन में लगेगी, फिर इस डायरेक्शन में लगेगी, इस तरह से। और इसी पॉइंट पे हमारे पास जे ऊपर की डायरेक्शन है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर जे डायरेक्शन लूँ तो जे की डायरेक्शन कौन सी होगी? ऊपर। अब ध्यान देना, बी जो है ये प्लेन के अंदर की तरफ है, प्लेन के अंदर की तरफ है, बी जो है प्लेन के अंदर की तरफ है, और प्लेन के अंदर की तरफ हमने डायरेक्शन मान लिया, मान लीजिए जेड। प्लेन का बाहर होता तो ये डायरेक्शन बनाते हैं, प्लेन के अंदर है तो अपन ये डायरेक्शन बनाएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट ए पे, ए पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी है प्लेन के अंदर, करेक्ट, प्लेन के अंदर बना दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड। और जो प्लेन के अंदर है अगर वो जेड डायरेक्शन है, तो प्लेन के ये प्लेन में बनाया, जे जो है वो प्लेन के अंदर है। अब आप जे को बी के साइड में मोड़िए, क्योंकि हमें जे क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। सो आप जे को बी के साइड में यहाँ पे मोड़िए, इस पॉइंट पे आपका जे ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है, स्क्रीन के अंदर की तरफ। तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ऊपर करो जे की डायरेक्शन में, और आपका जो स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे देख रहे हो, अंदर की तरफ मोड़ो, तो थंब आपका इधर क्या सेंटर की तरफ आ रहा है, आप देख लेना ये आपका सेंटर की तरफ आएगा। सो मैं आपको यहाँ पर इस तरह से बताती हूँ कि जब आपका जे ऊपर जा रहा है, सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो फोर्स इधर लगेगा जे क्रॉस बी की डायरेक्शन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा तो रेडियल डायरेक्शन इधर आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा तो जे क्रॉस बी इधर आएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तो जे क्रॉस बी इधर आएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तो जे क्रॉस बी इधर आएगा, यानी कि वो रेडियल, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो रेडियल डायरेक्शन में। तो इस तरह से जितना भी आपने पास प्लाज्मा होगा, वो सारा का सारा प्लाज्मा, सपोज करो मैं उसको प्लाज्मा को रेड पार्ट से डिनोट कर रही हूँ जो कि फैला हुआ था, वो सारे के सारे प्लाज्मा पे फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। तो एक तरह से के सारा का सारा प्लाज्मा क्या आ जाएगा सिलेंडर में, हवा में बीच में आ जाएगा, बिल्कुल एक्सिस के पास में, एक्सिस बीच में से यहाँ से होकर गुजरेगी, तो सारा का सारा प्लाज्मा सिलेंडर के बिल्कुल एक अलोंग द एक्सिस इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, प्लाज्मा का कन्फाइनमेंट हो गया, और इसी को पिंच इफेक्ट बोलते हैं। अब आइए अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इसलिए इसको मत देखिए, आप डायग्राम ये वाला ही देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये, क्योंकि ये डायग्राम बहुत क्लियर से है। रेड कलर की डायरेक्शन में जे जा रहा है, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आ रही है, उसकी वजह से रेडियल डायरेक्शन में यानी सिलेंडर के एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो कि प्लाज्मा को उसके तरफ धकेल रहा है, वी कैन से दैट। सब थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो दीज इक्वेशन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दीज इक्वेशन इंडिकेट दैट बोथ बी एंड जे आर परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट। ये कह रहा है कि जो बी और जे है वो प्रेशर ग्रेडियंट के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो यही बोल रहा है। दे लाई ऑन द सर्फेस ऑफ, ये छोड़ दीजिए आप, इफ दी सर्फेसेस आर क्लोज, क्योंकि सिलेंड्रिकल सर्फेस क्लोज सर्फेस होता है, सो इक्वेशन टू और थ्री के अकॉर्डिंग हमारे पास बी लाइन्स और जे लाइन्स जो है वो कैन क्रॉस देम, लीव इट, दे मे बी व्यूड एज मेड अप फ्रॉम, ये भी छोड़ दीजिए आप, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इन दीज आइसोबारिक, आइसोबारिक सरफेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे डेल भी है, सो आपके पास एक सिलेंडर जो है वो बहुत सारी सिलेंड्रिकल लेयर से बना हुआ है, हर लेयर का जो सरफेस होगा वो कांस्टेंट प्रेशर का सरफेस होगा, और लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, सो वहां पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट एक जनरेट हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और करंट डेंसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। सो द प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको लेना है। इक्वेशन नंबर टू और थ्री के बाद आपको सिर्फ यहाँ से लेना है कि इन दीज आइसोबारिक सरफेस प्रेशर इंक्रीज होता है आउटसाइड से एक्सिस की तरफ, द फोर्स जे क्रॉस बी ऑल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्सिस, बता दिया था फोर्स जे क्रॉस बी एक्सिस की तरफ लगता है, दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा इज कंटेन्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जे क्रॉस बी, यानी जे क्रॉस बी फोर्स की वजह से प्लाज्मा अंदर सेंटर पे कंटेन हो जाता है, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन में तो आपको ये लेना है, द फिनोमिनन ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ अ प्लाज्मा और कंडक्टिंग फ्लूइड बाय सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पिंच इफेक्ट, और ये अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें से ही करंट थी, हमने करंट की डायरेक्शन इस तरह से मानी थी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बनी और अंदर की तरफ हमारे पास प्लाज्मा इकट्ठा हो गया, कन्फाइंड हो गया, उसे पिंच इफेक्ट कहते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पिंच इफेक्ट।